press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो के साथ साथ एक मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे दो खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़कियों को। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काजमी जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और भारत की तरफ से बात करेंगी नाजिया खान जो कि एक तेज तरार लॉयर है। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। चलिए साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें जी आज ज्वाइन किया है नाजिया अलाई खान ने। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आप आई हैं। और नाजिया एनालिस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं जहां तक मैं जानती हूं, और यकीनन फिर इनके साथ बात करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो बहुत सारी दलीलें ले आते हैं। तो सबसे पहले नाजिया मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक अजीब सी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, जिसे मैं अजीब सा ही कहती हूँ, कि हिजाब को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और हम हर चीज में जो है वो अपनी टांग फंसा रहे होते हैं, लेकिन हम इस जगह नहीं गए कि हिजाब के ऊपर कोई हमारे डिबेट हो। ये क्या वजह है कि हमने भारत में इस तरह से देखा? देखिए, हमने एक जमाने से, क्योंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ और पूरा मुसलमान रिचुअल से लेकर के इस्लामिक तौर तरीके सब बचपन से सिखाए गए हैं, और कहीं ना कहीं बचपन से ये भी पता चला कि औरतों को हंसना कम चाहिए, औरतों को बोलना कम चाहिए, औरतों को घर के कामकाज ज्यादा सीखने चाहिए, और लड़कों को हमेशा एक कहीं ना कहीं ऊपर की तरजीह दी गई है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सियासती लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे टोपी वाले बैठे हुए हैं जो सबको टोपी पहनाने के लिए खड़े ही रहते हैं, जिनका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना है, जिन्होंने देखे कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की, जिन्होंने कभी तबलीग नहीं कहा, कभी कभी कोई फतवा नहीं जारी किया, कभी अपनी तबलीग में नहीं कहा, कभी किसी मतलब स्पीच में नहीं कहा, तहरीर में नहीं कहा कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमारे मुस्लिम खवातीनों को भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। कभी नहीं कहा, कभी किसी भी मौलवी मुल्ला कारी के हलक से ये बात नहीं निकली, लेकिन हिजाब पहनाने के लिए लुंगी पहन करके सर पे चप्पल रख करके दौड़ रहे हैं कि बस हिजाब पहनाना है। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है ना, ये एक्चुअली में सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी है, दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तरक्की के मूड में है, हिंदुस्तान अब डेवलपमेंट के मूड में है, हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अब अपने माइंड में ये सेटअप कर चुका है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक बंद हो सकता है, पॉलीगेमी हलाला बंद हो सकता है, तो हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि 1979 से इस मुद्दे को आज तक किसी भी मुस्लिम के उलमाओं ने, मौलवियों ने क्लियर नहीं किया, और वो करना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि सूरह अल-नूर की बात बार बार आती है, मैंने भी कुरान बामाई ने पढ़ा है, सूरह अल-नूर में कहीं पर भी नकाब, अबाया, हिजाब, बोरखा का जिक्र नहीं, तन को ढकने की बात कही गई है, ढीले कपड़े पहनने की बात कही गई है। तो भैया, मुसलमान लोग अपने अपनी नजरें क्यों नहीं अच्छी कर लेते हैं, साफ सुथरे क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो गंदी नजरों से, ईगल आई से मर्दों को नहीं देखते हैं। अगर मर्द रोड पर नहा भी रहे होते हैं तो भी हम नहीं देखते हैं कि वो गोरे हैं कि काले हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नजरें इतनी गंदी क्यों है? आपकी नजरें वहां क्यों जाती हैं जहां नहीं जानी चाहिए? आप ऐसे क्यों देखते हैं कि वो लड़की जीन्स पहनकर जा रही है तो उसके उजू बहुत अच्छे से क्रिएट होकर के दिखाई दे रहे हैं? आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें? आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले? देखिये, हिंदुस्तान में मुस्लिम कुछ ऐसे ऐसे झुंड है जो इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना सियासती कारोबार चलाते हैं, अपने अपना मदरसा चलाते हैं, अपना अपना एक जमात और कमेटी चलाते हैं, और कुछ नेशनल पॉलिटिकल वाले हैं जो उनको हवा देते हैं, अग्नि में ही डालते हैं कि तुम करो तुम करो। देखिए, हालिया में केरला में जो हुआ, उस लड़की को शेरनी किसने कहा? एक जिहादी ने कहा, एक जिहादी ने उस लड़की को शेरनी कहा। एक हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाली लड़की नकाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर कर रही है। भाई, आपको क्या करने की जरूरत है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों? आपको कोई लड़का मलेस नहीं कर रहा था, आपको कोई लड़का छेड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। आप नकाब पहनने की जिद करेंगे, सामने वाला फिर कहेगा कि हम तिलक लगाएंगे, हम ऑरेंज स्कार्फ पहनेंगे,
कृष्ण कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, यहूदी कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे, बौद्ध कहेगा कि हम अपना कपड़ा पहनेंगे। तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल सबके लिए है, यूनिफॉर्म सबके लिए है, कॉलेज सबके लिए, और सबको यकसां देखना है, इक्वल देखना है। अब कोई वर्साचे पहनकर चला जाएगा, कोई लुई विटॉन पहनकर चला जाएगा, और कोई 200 रुपए का मामूली कुर्ता पहनकर जाएगा, तो वो इनइक्वालिटी दिखाई देगी, जो स्कूल कॉलेज ये बताता है कि हमारे नजरों में सब इक्वल है। तो मुझे लगता है कि दक्यानुसी कॉन्ट्रोवर्सी है। और मैं पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है कि शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चा कमीशन की रिपोर्ट जब पहले कांग्रेस के जमाने में, मौन भरत के जमाने में जब आई थी, तो कहा गया था कि हम मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो यहाँ पर किसी भी टोपी वाले के मुंह से नहीं निकलता है कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन निकाब की बात करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिए, कोई मुसलमान मर्द नहीं खड़ा हो रहा है ये कहने के लिए कि हम भी पठान सूट पहनेंगे, हम भी कुर्ता पैजामा ही सिर्फ पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे, हम भाई बॉक्सर्स नहीं पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, क्योंकि लुंगी सबसे घटिया दिखाई देता है। तो वो कुछ नहीं कह रहे, सारे रिचुअल्स, सारे इस्लामिक कायदे कानून सब मुस्लिम औरतों के लिए है। अरे उड़ने दो पंख लगा करके। आज मुस्लिम लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, आज मुस्लिम लड़कियां भी अच्छी बड़ी बड़ी मॉडल बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। आप अप्रिशिएट करो, आप उनको और बढ़ावा दो कि वो और कुछ करें और वो तरक्की करें। लेकिन नहीं, 16 साल की होती नहीं है कि बनारसी साड़ी और कान का झुमका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इनकी तो शादी कर देनी है, मानो जैसे हम बोझ है। और कुरान कहता है कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप सबसे खुश नसीब होता है। और यहाँ बेटियों को बोझ समझ करके 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो देखिए कुरान क्या कह रहा है और यहाँ के मुसलमान क्या कह रहे हैं, समझ के देखिए। आपके पाकिस्तान में ही जितने भी जी सिनेमा पर, आपके जी जिंदगी पर जितने भी ड्रामे आते हैं, जितने भी सीरियल्स आते हैं, सिर्फ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सिर्फ उनको लूज कैरेक्टर बताया जाता है। वो किसी मर्द से बात कर ले तो कह दिया जाता है कि तुम्हारा उससे चक्कर था। यही सारे सीरीज में दिखाया जाता है। तो गॉड सेक, ऐसी चीजें हमें नहीं देखनी है। और मत दिखाओ प्लीज कि हमको फील होने लगे कि क्या हम पाप पैदा हुए हैं या वाकई में कोई इंसान पैदा हुए हैं। हमारा भी कोई फ्रीडम है कि नहीं, हमारा भी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं। हम मर्द से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि वी कैन स्लेप विद एनीवन, नो वे, वी हैव आवर ओन आइडेंटिफिकेशन। तो मैं ऐसा बिल्कुल, और मेरे ख्याल है कि मतलब दोस्त के तौर पे भी जो है वो मर्द ज्यादा बेहतर होते हैं। मेरे तो खैर जो बेस्ट फ्रेंड है वो मर्द ही है, मैं तो साफ बात करती हूँ, और आई फील वेरी कंफर्टेबल के हाँ उनसे सब बात शेयर करना या बात करना। लेकिन नाजिया, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को, कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी, और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना चाह रही थी शादी, या वो उस शादी से निकलना चाह रही थी, इस किस्म की बात थी। तो आपके ख्याल से कि यूरोप अमेरिका रहकर भी माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? देखिए कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम स्टक ही ठीक है हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं। लेकिन ये सारे जितने भी बाउंडेशंस है ना, आप स्टेप वाइज गिनिएगा, वो सिर्फ औरतों के लिए है। रमजान में अरे रोजा नहीं रख रही हो, अरे भाई तुम भी रखो, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है। अरे तुम कुरान नहीं पढ़ रही हो, अरे सिर्फ तुम मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम औरत को बच्चा पैदा करना है। अब इन्होंने औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही पकड़ लिया भाई। औरत को अपने हस्बैंड को मिजाजी खुदा मानना है, ये तो सर पे बैठ गए, ये तो मिजाजी हटा करके खुदाई बन करके बैठने को तैयार हो गए हैं। तो इन्होंने मिजाजी गायब कर दिया है। तो ये सारी चीजों को चेंज अब पढ़ी लिखी जो औरतें सामने आ रही हैं वही कर सकती हैं। जितना एडुकेशन बढ़ेगा उतना ये ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो घटेगा। जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्थोडॉक्स नेचर घटेगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जब एक योजना लाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है। लेकिन उस योजना में कहीं पर भी नहीं था कि मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है।
हर वक्त ये बताया गया। देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चाह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर काबिलियत है जो निखर कर उभर कर बाहर आए, जो मुसलमान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े, किसी का मतलब किसी के ऑब्लिगेशन के अंदर ना रहना पड़े, वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े, खुद समझे और खुद कहे, तो इसमें बुरा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यहाँ तो अच्छा लड़की है तो 10 पढ़ा दो और शादी कर दो, लड़का है ठीक है रात में 12 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की 6 बजे तो आपने घर आ जाना है। तो ये हम किससे सीखते हैं? ये हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी दादी से सीखते हैं, अपनी नानी से सीखते हैं, और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि लड़के को आजादी है और लड़की को आजादी नहीं है, और यही लड़के को अगर सही से कंट्रोल किया जाए तो शायद रेप ना हो, शायद मोलेस्टेशन ना हो, शायद ईव टीजिंग ना हो, शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना हो, शायद तलाक ना हो। आज देखिए हमारे समाज में तलाक होना बहुत छोटी सी चीज हो गई है, व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं, मानो जैसे कुरान में लिख कर आया था कि व्हाट्सएप आएगा 2000 सन में और तुम तलाक दे देना, ऐसा मुझे फील होता है। तो ये जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हो रही है ना, ये क्राइम हो रहा है मर्दों के हाथ से, लेकिन बलि का बकरा बन रही है मुसलमान औरतें। मुसलमान औरतों को अगर लड़का तलाक दे देता है अब वो खराब हो गई, मतलब रेप लड़की का हो रहा है और बेचारी लड़की ही खराब है, तलाक शुदा लड़की हो रही है जो मर्द दे रहा है लेकिन लड़की ही खराब है, जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो तुम बच्चा लेकर के घर आ गई हो और वो फिर से अपनी शादी वादी कर करके मगन हो गया है, और भाई ये एक बच्चे वाली को कोई मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा है। मुसलमान लड़के जब हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से, नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, दिस इज द हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, दिस इज द कम्प्लीटली हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना ही चाहिए। क्यों हम नहीं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं? अगर मुझे कोई हिंदू लड़का पसंद आएगा मैं क्यों नहीं उसको बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, या मैं क्यों उससे शादी नहीं कर सकती हूँ? अगर मुसलमान लड़का कर सकता है तो मुसलमान लड़की भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये इनका खुद का बनाया हुआ है, ये कुरान ने नहीं कहा है कि आप अपने घर की औरतों को आप आया समझिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझिए, उनको पॉलीगेमी और हलाला का विक्टिमाइज कीजिए, आप उसको विक्टिम बनाइए तलाक दे करके। कुरान ने कहा है कि भाई जिस घर में तलाक होता है उसमें रिस्क नहीं आती है, उस घर की दहलीज को रिस्क चूमती नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है और ये धड़ल्ले से तलाक दे रहे हैं कि हम जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के तलाक बैन कराना पड़ रहा है, तलाक बंद कराना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला करके। 2017 में मैंने, लेकिन दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हो मगर रहते चले जाएं वो भी तो सही नहीं है। देखिए मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से जितने केसेस मैं देखती हूँ, आए दिन मेरी ऑफिस में, मेरे चैम्बर में 10-12 ऐसे लोग, ऐसी औरतें आती हैं जो रोते हुए आती हैं। आप सोचिए कुरान ने इंटीमेट रिलेशन के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अनल सेक्स मुस्लिम लड़का करता है और लड़की को मतलब मजबूरन में उसको मजबूरी आकर के उसको केस फाइल करना पड़ा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, क्योंकि और टॉर्चर वो सह नहीं पा रही थी। तो हमारे मुसलमान मर्दों के दिमाग में कुछ जो ऐसे टीम बैठे हुए हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, जो टोपी पहन करके दाढ़ी रख करके कहते हैं कि हम बहुत सुन्नत रसूल मानने वाले हैं, ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मान रहे हैं, ये एक्चुअली में औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम से डरा करके डोमिनेट करते हैं। देखिए डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं तुमको नौकरानी समझता हूँ, मैं तुमको बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझता हूँ, मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, तो फिर औरतें कहेंगे कि क्यों नहीं कर दोगे, लेकिन जैसे ही कहेंगे कि अरे आप तो एक मोती है, आपको तो ढक कर रहना चाहिए, आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए, इस्लाम कहता है कि जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है, तो हम भी सोचने लगेंगे अरे इस्लाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप जाए, हिजाब में छुप जाए, लोहे का प्लेट पहन ले और कैसे भी करके खुद को छुपा ले। तो इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों के लिए।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो अगली वीडियो पे हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।